हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबनों मारी चैनल पर। तो आज आप जो ऑक्टोबर एग्जाम में लेवानी है तो यू मोस्ट आईएमपी आप खाली जगह जोशू और विषय से आप विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, तो विज्ञान विषय आपने खाली जगह जो प्रयत्न करूँ, प्रकरण वाइज जीशू। ओके, जेथी कर बराबर ख्याल आए। और आ वीडियो तब बदा फ्रेंड्स सुधी शेर करो और आ चेनल तरी समझी कमेंट करजो। जे कोई प्रकार आईएमपी जोता हो तो तब नीचे कमेंट बॉक्स में लखी मोकलाजो। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप शुरुआत करिए तो पहलू है फोड़ेला चूना रासायणिक सूत्र। ओके, फोड़ेला चूना रासायणिक सूत्र शू है फ्रेंड्स? ओके, आवड़ता रीते लखो। ओके, सी ए पछी काउंट्स में ओ एच और नीचे टू। ओके, सी ए ओ एच टू। ओके, बीज जोईए तो कोलसा सड़गवू और पानी निर्माण डेस प्रकार की प्रक्रिया है। ओके, तो आप जवाब शू आवशे फ्रेंड्स? संयोगीकरण। शू आवशे फ्रेंड्स? संयोगीकरण की प्रक्रिया है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन गुणोत्तर केटलो छे? ओके, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन गुणोत्तर 2:1, 2:1। ओके, 2:1 है। डैश श्याम और श्वेत फोटोग्राफिक में वपराय छे? शू वपराय छे? AgCl और AgBr। ओके, AgCl और AgBr, हूँ तमने नाम बोलूँ। ओके, आरस पहाड़ रासायणिक सूत्र, आरस पहाड़ रासायणिक सूत्र। ओके, CaCO3। ओके फ्रेंड्स, चलो अगर जो सीमेंट ने बनावट में डैश नो उपयोग थाय छे, सानो उपयोग थाय छे? तो CaO। ओके फ्रेंड्स, तो आ थी प्रकरण एक, प्रकरण एक नी खाली जगह। ओके, तो हवे आपणे प्रकरण बेनी खाली जगह जे इम्पोर्टंट पूछाई सके छे ए आपणे जोईए। ओके ओके मित्रों, तो आपणे प्रकरण बे तरफ आवी गया छे। आपेला विधानों साचा बने ते रीते खाली जगह पूरवानी छे। सोडियम झिंक, ओके, सोडियम झिंकेटनू अणुसूत्र शू छे? ओके, तो Na2ZnO2। ओके, Na2ZnO2। ओके, नवा हो तो चैनल पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो ने आ वीडियो ने तमारा फ्रेंड सुधी शेर करजो। ओके, पानी में जे बेइज द्रव्य होय तेने डैश कहे छे? शू कहे छे फ्रेंड्स? अल्कली। ओके, शू कहे छे? अल्कली कहेवाय छे। पानी में जे बेइज द्रव्य होय छे तेने अल्कली कहेवाय छे। डाटनो उपरनो आवरण डैशनो बनेलो होय छे? ओके, डाटना उपरनो आवरण शानाथी बनेलो होय छे? इनेमल, जेने कहेवाय इंग्लिश में। ओके, द अपर कोटिंग शानानो बनेलो होय छे? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, डाटनो उपरनो आवरण शानो बनेलो होय छे? तो कैल्शियम फॉस्फेट। झिंक धातुनी सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड साथे प्रक्रियाथी डैश बने छे? शू बने छे? झिंक धातुनी सोडियम हाइड्रोक्साइड साथेनी प्रक्रियाथी शू बने छे फ्रेंड्स? तो सोडियम झिंकेट। शू बने छे मित्रों? शू बने छे? तो सोडियम झिंकेट। चलो अगर जोईए, दूध माथी दही बने त्यारे डैश एसिड उत्पन्न थाय छे? क्यूँ एसिड? आपने खबर है, लैक्टिक एसिड। ओके, दूध माथी दही बने त्यारे डैश एसिड उत्पन्न थाय छे? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न थाय छे। पछी बीजुं जोईए, अपचामा मिल्क, ओके, अपचामा मिल्क ऑफ मेग्नीशिया उपयोग डैश तरीके थाय छे? मिल्क ऑफ मेग्नीशिया उपयोग शान तरीके थाय छे? एंटासिड। ओके फ्रेंड्स, एंटासिड तरीके थाय छे। लाल कीड़ी चटको भरे त्यारे आपड़ा शरीर में डैश रसायण दाखल थाय छे? क्यूँ रसायण? यस, फॉर्मिक एसिड अने मिथेनॉइक एसिड अने फॉर्मिक एसिड पण कहेवाय, मिथेनॉइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो आप प्रकरण बाद आपणुं बीजुं प्रकरण छे 6। तो आपणे प्रकरण 6 नुं खाली जगह तरफ जईए। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकरण 6 पर आपणे आवी गया छे। तो आ बधा खाली जगह प्रकरण 6 ना छे। ओके, तो कोषीय श्वसनना उपयोगमां लेवातो पदार्थ, कोषीय श्वसनना उपयोगमां लेवातो पदार्थ शुं छे फ्रेंड्स? तमे फटाफट जवाब आपी दो, आवडतो होय तो कमेंट बॉक्समां लखी दो बराबर। आ फालतू आपणे हाय हाय तो ओके, हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन अने गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आपणे भणवा पर ध्यान आप्यो। ओके, कोषीय श्वसनना उपयोगमां लेवातो पदार्थ कयो छे? तो ग्लूकोज छे। ओके, पछी ऊर्जाना स्त्रोतने खोराक रूपे बहारथी सजीवोना शरीरमां दाखल करवानी क्रियाने शुं कहे छे? तो एने कहेवाय छे पोषण। ओके, नरिशमेंट इन इंग्लिश, अने कहेवाय छे पोषण। मनुष्य डैश प्रकारनी पोषण पद्धति दर्शावे छे? ओके, तो विषमपोषी। कई? तो विषमपोषी प्रकारनी पद्धति दर्शावे छे। डैश उत्सेचक, ओके, डैश खाली जगह उत्सेचक स्टार्सनू माल्टोजमां पाचन करे छे? तो शू?
શું આવે છે જવાબ ફ્રેન્ડ્સ? યસ, એમાયલોઝ. એમાયલોઝ બરાબર ને, એમાયલોઝ આવે છે. ઓકે, પેપ્સિન ડેશ માધ્યમના કાર્યરત ઉત્સેચક છે તો પેપ્સિન એસિડિક. કયું માધ્યમ છે? તો એસિડિક માધ્યમમાં. ઓકે, કયા માધ્યમમાં? તો એસિડિક માધ્યમમાં. પછી બીજું એ તો અમીબામાં ખોરાકનું પાચન ડેશમાં થાય છે. ઓકે, અન્નધાની. આમાં થાય છે અન્નધાની, બરાબર. પછી આપણે જોઈએ અન્નધાનીમાં તો થાય છે બરાબર ને. ઓકે, પછી નંબર 22 જોઈએ. ડેશની હાજરીથી નાના આંતરડાની શોષક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે. ડેશની હાજરીથી, સાની સાની હાજરીથી વધે છે? તો રસાંકુઓ. ઓ, રસાંકુરો. ઓકે, રસાંકુરોની હાજરીથી નાના આંતરડાની શોષક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે. પછી અન્નવાહકમાં, અન્નવાહકમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની નિપજો વહનને ડેશ કહે છે. શું કહેવા છે એને? તો સ્થળાંતર કહે છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સ્થળાંતર કહે છે. હવે 24માં જોઈ લઈએ કે ઉત્સર્ગ, ઉત્સર્ગ એકમનો અંતિમ છેડો ડેશમાં ખુલે છે. શામાં ખુલે છે? તો સંગ્રહણ, સંગ્રહણ નલિકા, સંગ્રહણ નલિકા, સંગ્રહણ નલિકામાં ખુલે છે બરાબર. પછી નંબર 25માં જોઈ લઈએ, પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન ખોરાકની સાથે આરપેદાશ તરીકે ડેશ મળે છે, તો આપણને ખબર છે કે ઓક્સિજન મળે છે. 26માં જોઈ લઈએ કે ડેશ એ રુધિર, રુધિર કેશી ગુચ્છ ધરાવતી કપ, કપ જેવી રચના છે જે કે રુધિરનું ગાળણ કરે છે. તો આપણને શું કહેવું છે? બાઉમેનની કોઠડી. ઓકે, બાઉમેનની કોઠડી. ઓકે, તો આ પ્રકરણ પત્યા પછી આપણે પ્રકરણ 7 તરફ જઈએ. અને આ વિડીયો ગમતું હોય તો લાઈક કરી દો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આગળ વધીએ. ઓકે, પ્રકરણ 7ના જે ખાલી જગ્યા છે તો આપણે જોઈએ તો ગ્રહણગ્રાહી. ઓકે, ગ્રહણગ્રાહી એકમનો ડેશની સંવેદના ઓળખી શકે છે. તો આપણને ખબર છે ગંધ. ઓકે, વાસ બરાબર ને, આપણને ખબર છે. તો એ આવશે આન્સરમાં. પ્રાણીઓમાં વાસ્તવિક વિચાર ક્રિયાની ગેરહાજરીમાં ડેશ ક્રિયાદક્ષ, ખાલી જગ્યા ક્રિયાદક્ષ પ્રાણીલીન સ્વરૂપમાં વિકાસ પામે છે, પામી છે. તો શું આવશે ફ્રેન્ડ્સ? પરાવર્તી કમાન. ઓકે, પરાવર્તી, પરાવર્તી કમાન. શું આવશે? પરાવર્તી કમાન. મગજનો ડેશ ભાગ શીખવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલો છે. કયું? અનુમસ્તિષ્ક, અનુમસ્તિષ્ક. મગજનો ડેશ ભાગ કયું? તો મગજનો ડેશ ભાગ શીખવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલો છે. હમણાં જે આપણે શીખી રહ્યા છે તે શાના સાથે સંકળાયેલો છે? તો અનુમસ્તિષ્ક. યસ ફ્રેન્ડ્સ, અનુમસ્તિષ્ક સાથે સંકળાયેલો છે. હવે 19માં જોઈએ, મગજનો ડેશ ભાગ યાદ રાખવાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલો છે. યાદ રાખવાની. ઓકે, તો બહુદ મસ્તિષ્ક, સોરી બૃહદ, બૃહદ મસ્તિષ્ક, બૃહદ મસ્તિષ્ક. ઓકે, તો બૃહદ મસ્તિષ્કને સ્ટ્રોંગ બનાવીએ અને આપણે યાદ રાખવાની ક્રિયાને વધારીએ. ચાલો, ડેશ આંતરસ્ત્રાવનું લક્ષ્ય અંગ હૃદય છે. ઓકે, તો એન્ડ્રી નાલિન, એન્ડ્રી નાલિન. ઓકે, એન્ડ્રી નાલિન. ઓકે, તો પ્રકરણ હવે આપણે પ્રકરણ 10નું ખાલી જગ્યા તરફ જઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો પ્રકરણ 11 જે છે, પ્રકરણ 10 જે છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ખાલી જગ્યા પૂછાય તેવું નથી. તો આપણે પ્રકરણ 12 જોઈ લઈએ. તો નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો અને હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આ નીચેના વિધાન સાચા છે તે બને છે ખાલી જગ્યા પૂરો. ઓકે, તો આપણે એનો જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, તો આપણે આવી ગયા છે તો પ્રકરણ 12. ઓકે, પ્રકરણ 12ના ખાલી જગ્યા ઉપર તો વિથ 1a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ. ઓકે, તો આમાં આવશે 10^6. ઓકે, 10^6 એમ પણ કહેવાય. 1ma ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ, તો આમાં આવશે 10^-3. ઓકે, 10^-3. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવાના સાધનો, સાધનને ડેશ કહે છે. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવાના સાધનને શું કહે છે? તો એમમીટર. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવાના સાધનને શું કહે છે? તો એમમીટર. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈએ. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેશ નામના ઉપકરણથી જાણી શકાય. તો શાનાથી જાણી શકાય? ઓકે, નંબર 9, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેશ નામના ઉપકરણથી જાણી શકાય. તો એમાં આવે છે વોલ્ટમીટર. ઓકે, વોલ્ટમીટર ઉપર આવે છે એમમીટર અને નીચે આવે છે વોલ્ટમીટર. ચાલો 10નો જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વિદ્યુત પરિપથમાં પરિપથનો અવરોધ બદલવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનને શું કહે છે?
रियो स्टेट, यस फ्रेंड, रियो स्टेट कहवाय छे, बराबर ने, विद रियो स्टेट कहवाय छे। पछी विद्युत परवाहन प्रवाहन, ओके, विद्युत प्रवाहन सतत अने बंद मार्ग ने डेस कहे छे, शू कहे छे, तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, ओके। पछी विद्युत स्थितिमानना तफावत ने एसआई एकम डेस छे, शू छे, तो वॉल्ट छे, बराबर ने, तो वी पण एनो चिन्ह छे। टेरमा जोईए कि विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री ए विद्युत प्रवाहनी डेस असर पर कार्य करे छे। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री ए विद्युत प्रवाहनी कई ज असर पर, तो तापीय, तापीय असर पर कार्य करे छे। हवे बल्बनो फिलामेंट बनावा माटे डेस जेवी उच्च गलनबिंदु धरावती मजबूत धातु वपराय, टंगस्टन, शुं आवशे, टंगस्टन, टंगस्टन, बराबर ने। हवे 15 मां जोईए आपणे एच बराबर आई स्क्वेर आर टी ने डेस कहे छे, शुं कहेवाय छे, तो जूलनो तापीय नियम, बराबर, जूलनो तापीय नियम। तो आ प्रक्रियण बार, प्रकरण 12 में आप खाली जगह जोई, हवे आप जोईशू के प्रकरण 14 अने 15 में खाली जगह जे आवानी छे, मोस्ट टाइम भी, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो प्रकरण 14 अने 15 में कोईपण खाली जगह आवे शके तेवुं नथी, तो आटली खाली जगह तमे तैयार करो। अने बीजू जे छे जे MCQ ए पण हुं तमारा माटे जल्द लावीश। आ विडियो में जेम व्यू जल्दी जशे, आ वीडियो तमे शेर करशो तेम फटाफट हुं तमारा माटे वीडियो अपलोड करतो रहीश। तो आ चेनल ने तमे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अने तमारो बहुत साथ अने सहकार मळ्यो छे एना माटे पण थैंक यू। अने आ बोर्ड एक्जाम नी तमाम तैयारी हुं तमारा माटे करावीश, अने जे कोई पण तमने तकलीफ होय तो कमेंट बॉक्स में लखीने मोकलाओ। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। ऑक्टोबर में जे एक्जाम लेवानी छे एमांथी मोस्ट IMP तमने मळशे, आमांथी बधा प्रश्न पूछावाना छे, तो आ तमे आटलो तैयार करीने जजो, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, एंड कीप प्रिपेरिंग फॉर एग्जाम, कीप लर्निंग, एंड यू आर द ब्राइट फ्यूचर। आप सब युवा धन छो आप भारतनु, अने आई एम प्राउड दैट यू आर वॉचिंग माय वीडियोज, अने तमारे ज आप देशनु नाम रोशन करवानुं छे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।